दोस्तों कुल्फ़ी के लिए ऐसे 4 गिलास दूध लेके हूँ मैं, ये देखिए 4 गिलास दूध लेके हूँ मैं। और आप शक्कर इतनी लें कि 1 गिलास को थोड़ी कम हो, जो गिलास से आप दूध ले रहे हैं उसी गिलास से माप लें कि थोड़ी कम हो, बस देखिए ऐसे। अभी मैं चूल्हे के ऊपर हमारी बर्तन रखी हुई हूँ, इसके अंदर थोड़ा पानी है, इसका मतलब दाग नहीं लगना है दूध, इसीलिए मैंने थोड़ा पानी डाल के रखी हुई हूँ। अभी मैं चूल्हा ऑन कर रही हूँ, ये देखिए दूध डाल रही हूँ मैं, गाढ़ा मलाई वाला दूध है ये, गरम करके रखी थी तो मलाई जम गई थी, तो अभी हम इसको ऐसे ही पकने दें, इसका उबाल आने के लिए छोड़ दें इसको। ये देखिए खोया लेके हूँ मैं, ये कंपनी का खोया है, ऐसे ही लेना, लूज जो बाहर मिलता है वो ना लें दोस्तों कभी भी। ये देखिए कितना अच्छा है, ये देखिए देखिए कंसिस्टेंसी देखिए इसकी, बिल्कुल सही है ये। देखिए 4 गिलास दूध लेके हूँ मैं, तो ये 50 ग्राम खोवा है, खोया इसको बोलते हैं। देखिए ऐसा ऐसे कर लें इसको, थोड़ा सा मसल लें, ऐसे मसल कर इसमें डालेंगे। अभी हम पहले शक्कर डालेंगे दोस्तों, उबाल आ रहा है दूध का, अभी हम शक्कर डाल के इसको हिलाएंगे। देखिए खोया को थोड़ा मसल के हूँ मैं ऐसे करके, ऐसे ये फ्रेश है अभी ला के ही बाहर से, ऐसे डाल रही हूँ। और वैसे भी सुबह में बताने का ये था प्रोग्राम कुल्फी आइस का, लेकिन 8 घंटे रखना है ये फ्रिज में, इसीलिए मैंने सोचा कि अब रात के 11 बज रहे हैं तो चलो शूट कर ले हमारे व्यूवर्स को, प्यारे प्यारे व्यूवर्स को एक कुल्फी वाला वीडियो बनाकर बता दें, इसीलिए मैंने शूट कर रही हूँ। अभी मैं डालूंगी एक थोड़े से 4 इलायची कूट कर, उसका पाउडर निकाल ली, इलायची का पाउडर देखिए अभी मैं डाल रही हूँ। 4 गिलास दूध लें तो 4 इलायची ही डालें, बस ज़्यादा नहीं, फ्लेवर ज़्यादा हो जाएगा। अभी ये गाढ़ा हो रहा है, ऐसे ही हिलाते रहें एक 15 मिनट तक। पुन मैदा लेके हूँ मैं, 2 स्पून ही है ये। अभी इसमें डालूंगी मैं कॉर्नफ्लोर, एक थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, यानी कि 1 स्पून को थोड़ा कम कॉर्नफ्लोर डालें। अभी हम इसका एक मैजिक बताएंगे, देखें ऐसा इसका एक सेलरी बना लें, ऐसे करके पानी डालकर थोड़ा सा गाढ़ा बना लें ऐसा। जो कुल्फी बनती है बाहर जो मिलती है कुल्फी, उसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है ये, ऐसे कर लें। ये डालने से दूध थोड़ा फीका हो जाएगा, तो अभी आप 2-3 स्पून शक्कर एक्स्ट्रा डाल लें। दूध भी थोड़ा हिलाते रहना, ऐसा ध्यान यहीं पर रखें। अभी ये देखिए ऐसा अच्छी तरह से मिला लें, इसमें गांठ है अभी, उसके ऐसे ऐसे करके मसल के इसकी गांठ काट देंगे अभी हम। देखिए ऐसे ये सॉफ्ट स्मूथ हो गया है अभी, अभी हम ये पक रहा है, इस दूध में हम आही इसे से डालने के आए, आही इसे से डालते रहना और हिलाते रहना, हिलाते रहना, हिलाते वक्त थोड़ा ध्यान से हिलाएं क्योंकि ये उड़ सकता है हाथ के ऊपर। अभी इस वक्त इस मोमेंट पर हम हाथ नहीं उठाएंगे, ऐसे ही हिलाते रहना, ये बैठ जाएगा, वरना ऐसे ही 5 मिनट ऐसे ही करते रहना इसको। देखिए ये घट हो रहा है, अभी गाढ़ापन आ गया है, बिल्कुल राइट कंसिस्टेंसी है दोस्तों ये। 1-2 मिनट के बाद हम चूल्हा ऑफ कर देंगे। मैं चूल्हा ऑफ करके हूँ दोस्तों, अभी इसको ठंडा होने दें थोड़ा सा, ये यानी कि 5 या 6 मिनट इसको थोड़ा ठंडा होने दें, बाद में हम डालेंगे हमारे मोल्ड में। ये देखिए हमारा मोल्ड है, ये इस मोल्ड में डालेंगे हम। दोस्तों मेरे वीडियो को एंड तक देखते रहें, स्टेप बाय स्टेप मैं 1-1 टिप्स देते रहूँगी आपको कि कुल्फी कैसे बनाते हैं, बनती है, एक एक टिप्स मिलेगी, सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स भी देती रहती हूँ, इसीलिए मेरे वीडियो को एंड तक देखते रहें दोस्तों। देखिए दोस्तों अभी मैं कुल्फी हमारी तैयार हो गई है, सिर्फ ये अभी दूध के जैसा है। अभी मैंने दूध दान में डाल के हूँ,
क्योंकि ये थोड़ा डालने के लिए इजी हो जाएगा, इसलिए आप चाहे तो चम्मच से उठाकर डाल लें। ऐसे करके मैं डाल रही हूँ, देखिए ये इजी हो जाएगा इसलिए। गिलास में भी डाल लें घर में हो तो, अगरचे आपके यहाँ मोल्ड नहीं है तो आप कुछ ना करें, बस मोल्ड होना ही ज़रूरी नहीं है। कुल्फ़ी के लिए एक गिलास ले लें, छोटे छोटे गिलासेस जो होते हैं घर में वैसे गिलासेस ले लें और उसके अंदर ऐसे ही डालकर आप रखिए। दोस्तों ऐसे कप ऐसे गिलास हो तो इसमें भी डाल लें आप, ऐसे स्टिक लेकर इसमें लगा दें थोड़े टाइम के बाद, यानी कि ये घट हो रहे हैं फ्रिज के अंदर रख दें, या 5 मिनट के बाद देखेंगे तो थोड़ा सा सॉलिड हो रही है आजू बाजू से, तो ऐसे रख दें तो ये लग जाएगी, स्टिक हो जाएगी। देखिए आप चाहे तो ज़ाफ़रान की एक एक पेटल्स काट के इसमें डाल लें ऐसे, नहीं है तो स्किप कर लें कोई बात नहीं, अभी मेरे पास है तो मैं डाल रही हूँ, बस इतने में डाली। इसमें और फ्लेवर डालेंगे हम दूसरा भी। ये देखिए ड्राई फ्रूट है, ड्राई फ्रूट को थोड़ा मैं ऐसे ही, इसको ना भून कर हूँ ना फ्राई करके हूँ कुछ भी नहीं, ऐसे ही लेकर थोड़ा सा ये कूट कर हूँ, जो हमारे कुछ भी हो वजन चीज़ उसके कूट लें। देखिए कूट कर करने से ऐसे हो जाएगा मोटा मोटा सा, तो ये लेकर डाल लें इसमें, इतनी टेस्टफुल होगी कि दोस्तों क्या बताऊँ मैं, आप बनाकर ये खाएंगे और बच्चों को भी खिलाएंगे तो बच्चे ज़िद पर बैठ जाएंगे कि कभी भी ऐसे ही बनाएं कुल्फ़ी करके। अभी ये देखिए मैं ऐसे रख दूँगी, बस इसका काम इतना ही है, ऐसे करके रख दें। आप चाहे तो ऐसे मिक्स भी कर लें, ये देखिए मैं बता रही हूँ अभी ऐसे मिक्स कर लें ऐसे, वो थोड़ा नीचे जाकर जमा हो जाएगी। अभी मैं इसमें स्टिक्स रख दूंगी, ऐसे करके मैं बता रही हूँ अब, लेकिन ये बैठेगी नहीं अभी, एक 5 मिनट के बाद ये जैसे घट होकर आती है, घट हो लेकर आती है सॉलिड, उसी वक्त ऐसे रख दें फ्रिज में। मैं भी बता रही हूँ ये खड़ गई है, लेकिन ये सो जाएगी थोड़े टाइम में, इसीलिए अभी मैं ये फ्रिज में रख दूंगी। ठीक है, इसमें थोड़ा कम दिख रहा है मुझे ड्राई फ्रूट तो डाल दूंगी, वरना एक बच्चा बोलेगा कि मम्मी क्या मुझको ड्राई फ्रूट ही नहीं आए, आप नहीं डाले करके, इसीलिए थोड़ा डाल रही हूँ दोस्तों। देखिए चौपाटी कुल्फी बन जाएगी ये, ऐसे डाल लेंगे तो हम बॉम्बे वाली चौपाटी कुल्फी, चाहे तो आप घर में बैठ कर बना लें। अभी मैं इसमें डालूंगी ड्राई फ्रूट थोड़ा सा, आप चाहे तो ज़ाफ़रान के थोड़ा सा डालें ज़ाफ़रान। दोस्तों अभी फ्रिज में रखने के लिए तैयार हो गई है हमारी कुल्फी, हम इसको फ्रिज में रख देंगे 7 से 8 घंटे, इसको ना छीएं। अब रात का वक्त है ना, तो आराम से मैं फ्रिज तो कोई खोलेंगे नहीं रात में, सुबह में आराम से इसको खोलेंगे और बताऊंगी मैं, वीडियो फिर रिकॉर्ड करूंगी आपको सामने बताऊंगी 7 घंटे या 8 घंटे बाद। हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स, ये देखिए कुल्फी बनकर तैयार हो गई है, 8 घंटे से 10 घंटे हो गए हैं, वाओ नाइस। ये देखिए कुल्फी मलाईदार कुल्फी तैयार हो गई है, और एक निकालूंगे भी, गुड वेरी गुड। देखिए देखिए ज़ाफ़रान का लगा हुआ और हमारा ड्राई फ्रूट पूरा, देखिए मज़ेदार लजीज बनेगी दोस्तों, ऐसे ही बनाएं घर में, नाइस वेरी गुड। ये देखिए वाओ सुपर्ब। देखिए लजीज मज़ेदार तैयार हो गई है दोस्तों कुल्फी, मैं जैसे बताई रेसिपी वैसे ही बनाएंगे तो बिल्कुल ऐसे ही होगी। अभी हम इस देखिए ये कुल्फी देखेंगे, इस कुल्फी का क्या हाल है, ये देखिए चौपाटी वाली कुल्फी, देखिए दोस्तों इसकी स्मूथनेस देखिए कुल्फी की, ये देखिए मेरा तो बस चले तो अभी खा लूंगी दोस्तों, ऐसे हो रहा है मेरा जी। मेरी बच्ची को बहुत पसंद है ये देखिए कुल्फी,
वेरी नाइस मॉम। दोस्तों इस कुल्फी को आप जरूर बनाएं, दोस्तों आप ट्राई करके देखें एक बार, तो घर में डिमांड होगी कि बार बार बनाएं बनाएं कुल्फी बनाएं घर की बनी हुई। और हाइजीन है, बिल्कुल हाइजीन, आप देखें ना कैसे बनाई मैंने, वैसे ही बनाएं। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए, हंसते रहे हमेशा, स्टे फिट। ये कुल्फी ऐसी बनेगी कि मैं क्या बोलूं, आपके उंगलियां चटते रह जाएंगे घर में सब, और आपका एटमॉस्फेयर पार्टी जैसा बना ले, है ना दोस्तों। मुमताज के संग हंसते हैं तो घर बसते हैं। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को लाइक जरूर करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, स्टे फिट।